बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सीड बैंक और सीड बैंक का एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी सॉर्टिंग कैसे करते हैं, इसको इसके सैम्पलिंग कैसे करते हैं हम, और इसकी सैम्पलिंग के लिए हमारे पास टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, और जब हमारे पास सैम्पल कलेक्शन हो जाती है तो हम जो है वो इसके बाद में इसके एनालिसिस या सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द सीड बैंक। जो सीड सॉयल के अंदर होते हैं स्टोर्ड फॉर्म में, और वो वायबल होते हैं, और बाद में जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो जर्मिनेट हो सकते हैं, तो ऐसे सीड को स्टोर्ड सीड बैंक कहते हैं। सो लाइव सीड दोज जर्मिनेट एंड ग्रो टू मेच्योर प्लांट फ्रॉम द सीड पूल इन द सॉयल इज कॉल्ड सीड बैंक। ये सीड जो होते हैं ये सॉयल के अंदर होते हैं, डेफिनेटली ये हमारी आंखों से ओझल होते हैं, आउट ऑफ साइट हैं, इसलिए इनको आउट ऑफ माइंड एंड देन आउट ऑफ कंट्रोल ये जर्मिनेट अगर कर देंगे तो फिर, क्योंकि ये सीड वाफर मिकदार में वहाँ पे मौजूद होंगे तो ये जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएंगे। और ये जो सीड सॉइल के अंदर होते हैं ये सॉइल सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, या फिर अगर टिलेज ऑपरेशन से ये डीप बरियल सॉइल में चले गए तो ये वहाँ पे भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये जो प्लांट्स के जो डेब्रीज होते हैं, जो लीटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, ये उनके साथ जो है वो अटैच फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो ये सीड बैंक जो सॉइल के अंदर वो तीन तरह से मौजूद हो सकते हैं। अब इसके लिए हम बैंक का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में एक बैलेंस होता है, या उसके अंदर हम एनुअली डिपॉजिट करते हैं कुछ, या मंथली डिपॉजिट करते हैं, और या फिर उसमें से विदड्रॉ करते हैं, तो सिमिलरली जो ये सीड बैंक वाला कॉन्टेक्स्ट है इस टर्म में भी सेम इसी तरह से होता है। इसमें बैलेंस या अवेलेबल सीड, जो लाइव सीड, लिविंग सीड, वायबल सीड इस बैंक के अंदर मौजूद होते हैं उनको कहते हैं ये इस सीड बैंक का बैलेंस है। और डिपॉजिट जो होता है, डिपॉजिट का मतलब किसमें एडिशन किस तरह से होता है, यस इस बैंक के अंदर जो है वो डिपॉजिट भी होता है, एडिशन भी होता है, दैट इज द करंट ईयर सीड प्रोडक्शन, जिसको सीड रेन भी कहते हैं। जब कोई प्लांट मेच्योर होता है तो उससे सीड की शेटरिंग होती है, सीड डिस्पर्सल होता है, सीड उनकी पॉड में से, उनकी फलियों में से, जो है वो फ्रूट में से मेच्योर होकर वह नीचे जमीन पर गिरता है, तो इसको कहते हैं करंट ईयर सीड प्रोडक्शन, या फिर सीड रेन कहते हैं। या फिर एनिमल उन फ्रूट को खाते हैं और वो एनिमल जो है वो इस प्लांट का जो जो सीड होता है वो अगर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होकर उनके एक्सक्रीटा की शक्ल में कहीं पे डिस्पर्स हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये भी सीड की डेपोजिशन डिपॉजिट है, एडिशन है। या फिर मशीनरी से, लाइक जो मैकेनिकली मशीनरी यूज करते हैं ट्रैक्टर से, हम उससे अगर मूव करते हुए उसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में लेकर जाते हैं तो उसके अंदर भी ये सीड जो है ट्रैप होकर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। ये है इनका डिपॉजिट होना या एडिशन होना। सेम इसी तरह से इसका विदड्रॉल भी है कि ये काम भी हो जाते हैं, वो कैसे, जब जर्मिनेशन होती है तो सीड उस सीड बैंक से जर्मिनेट करते हैं, यानी सॉयल की प्रेजेंस जहाँ पे है वहाँ से जर्मिनेट करते हैं, तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन, ये भी विड्रॉल है। या फिर पैथोजन, क्या अगर इनकी रॉटनिंग हो जाती है या इनको फंगस लग जाती है तो फिर ये क्या होता है, सीड वायबल नहीं रहते। असल में हमारा जो फोकस है सीड बैंक के अंदर वो वायबिलिटी के ऊपर है, तो अगर वो वायबल नहीं होंगे तो फिर उनका हम सीड जो है वो सीड बैंक के जो कंपोनेंट उनको कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, अगर इम्प्लीमेंट चल रहे हैं या उसके ऊपर कंपैक्शन की वजह से, मशीनरी के रन की वजह से अगर वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, या जो मशीनरी से हम थ्रेशिंग करके उसको करते हैं तो उसमें ये अगर टूट जाता है तो फिर उसको कहेंगे ये मैकेनिकल इंजरी होगी इसके, तो ये भी वायबल सीड नहीं रहेगा। या फिर कोई रोडेंट इंसेक्ट जैसे चूहे खा जाते हैं, या कोई इंसेक्ट इनको ले जाते हैं अपनी बिल्स के अंदर और वहाँ पे इनको स्टोर करते हैं अपने फूड के तौर पे, तो वो भी जो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे वो सीड्स का इस सीड बैंक से विदड्रॉल होगा। ये पिक्टोरियल व्यू है कि ये जो हमारे पास ये सीड बैंक है, नॉन डॉर्मेंट सीड हो सकते हैं या डॉर्मेंट सीड हो सकते हैं, तो ये जो एडिशन है और ये सब जो इसमें से विदड्रॉल है वो दिखाया गया है। यहाँ पे ये डिके है डेफिनेटली, तो ये पैथोजन या फंगस इसको कर रहे हैं, तो ये विड्रॉल है, ये एरो के साइन से शो है। या प्रीडेशन हो जाती है, बर्ड्स माइस इंसेक्ट्स खा जाते हैं, ये भी इसका विड्रॉल है। या कुछ जर्मिनेशन हो जाती है और उसके बाद ये डाई हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की वजह से,
ये भी इस बैंक से विड्रॉल है, एरो से शो हो रहा है, और ये भी जो जर्मिनेशन कर देते हैं लेकिन लाइव रहते हैं, लिविंग रहते हैं, उनके लिए भी ये विड्रॉल है। और एडिशन में हमारे पास ये सीड रेन है या सीड डिस्पर्सल है, विंड से, एनिमल से, रेन से, मशीनरी से। ये सीड जो है वो वन फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव कर जाते हैं, तो ये भी उस फील्ड के अंदर सीड का एडिशन है, उस बैंक के अंदर सीड का एडिशन है। अब ये जो सीड जर्मिनेशन से हमने देखनी है, सीड बैंक देखना है, इसमें हम जो सीड सैम्पलिंग करेंगे, कलेक्ट करेंगे, हम उनको कम जो कलेक्शन है और बाद में उनका एनालिसिस है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। हम पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सीड सैंपल कलेक्ट होता है उसको हम ये जो प्लॉट में से कलेक्ट करते हैं उसको सॉयल सैंपलर या सॉयल ऑगर कहते हैं, उससे इसकी कलेक्शन करेंगे। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसमें टूल्स में देखेंगे कि कौन से टूल हैं। फिर इन सैंपल्स को लेबोरेटरी में शिफ्ट करते हैं, वहां पे इनको थिनली स्प्रेड कर देते हैं, 1 to 2 इंच की एक डेप्थ में इसमें प्लास्टिक ट्रे में इसको स्प्रेड कर देते हैं, और इसको वाटर करते हैं ताकि इरीगेट करते हैं ताकि ये जर्मिनेट हो सके। फिर क्या होता है, जो सीड जर्मिनेट कर दिया जाता है हम उसको काउंट कर लेते हैं, इससे हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है कि कौन सी स्पीशी का कितना सीड इस सैंपल के अंदर मौजूद है। और फिर जिस सीडलिंग को हम काउंट करते हैं उसे रिमूव कर देते हैं ताकि जो सीड फर्दर उस लेयर के अंदर हैं, उस सॉइल प्रोफाइल के अंदर है, वो भी जर्मिनेट कर सके, इसलिए हम उनको जो है वो रीवाटरिंग करते रहते हैं। इसको हम 5 to 6 वीक जो है वो रीवाटरिंग करेंगे इसकी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सीड होंगे जो जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे, तो हम उन सीड्स को सेकेंड फेज में लेके जाएंगे जिसको कहते हैं सेपरेशन। ये जो सेकेंड फेज होगा इसमें जो लेफ्ट ओवर सीड हमारे पास होंगे हम उनको वॉश कर लेंगे, वाटर के साथ सीव में रख के, छाननी में रख के उसको वॉश कर लेंगे, और फिर उनको मैनुअली एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो जर्मिनेट तो कर नहीं सके। फिर हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कौन सी स्पीशी का सीड है, और उसे जो हम वो सेपरेट करके आइडेंटिफाई करके उनका डाटा चार्ट बनाते जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फील्ड एरिया चूज करेंगे सैम्पलिंग के लिए, मेथड के लिए, उसके बाद उसे टाइम डिसाइड करें हम इसमें सैम्पलिंग कौन सी टाइम में करनी है, क्योंकि ये जो सीड होंगे आप उसके सैम्पलिंग सीड जर्मिनेशन से पहले करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज उसी तरह से जर्मिनेट होकर वो सीड सैंपल एग्जैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो लॉस्ट हो जाएंगे। हमने विड्रॉ में देखा कि ये सीड जो वो लॉस्ट हो जाते हैं कुछ। फिर सैम्पलिंग टूल हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से सैम्पलिंग टूल से करना है, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे 3 से 4 टूल हैं तो वो कौन से। फिर हमने सैम्पलिंग डेप्थ को कितनी डेप्थ पे सैंपल लेना है, अमाउंट ऑफ सैंपल हमने कितने ग्राम का सैंपल लेना है, और सैंपलिंग प्रोसेस उसका हम प्रोसेस जो 2 फेजेज है उनमें से लेके जाएंगे, और उन सैंपल्स को ड्राई भी करना होता है हमने, और फिर उन सैंपल को जो है वो आईडी भी देंगे, मतलब उनकी टैगिंग भी करेंगे कि ये हमने सैंपल कौन सी सॉइल से लिया, कौन से फील्ड से लिया। उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होगा कि हम सबसे पहले जो ऊपर से उसकी जो लेयर होगी एक थिन लेयर सॉइल के ऊपर से उसको रिमूव करेंगे, फिर एक वी शेप का जो है वो इसमें से होल बनाएंगे, और उस वी शेप की एक स्लाइस जो है उसका हम ऑलमोस्ट ये 1 to 1.5 एंड 1 इंच की ये होगी, और उसे हम जो है वो उस होल में से लेकर एक पेपर बैग के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से मल्टीपल सैंपल लेके हम एक कंपोजिट सैंपल और फिर उससे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले सकते हैं। इससे हम शॉवल से अगर लेंगे सो मेक अ होल इन द सॉइल, हम सॉइल के अंदर एक होल बना लेंगे, और ये होल जो है वो इसकी डेप्थ डिपेंड करती है कि हमारे पास जो सॉइल की टिलेज डेप्थ है वो कितनी, हम उतनी वहां तक ले लेंगे। अगर हमने श्रब्स की, बेडिंग प्लांट की या ट्रीज की लेनी है तो ये ऑलमोस्ट 0 to 12 इंचीज होगी, और अगर हम ग्रासेस के लिए या ट्रफ के लिए चलेंगे तो दैट विल बी लेस एंड इट माइट बी इक्वल टू 3 इंचेस। थ्रो द शॉवल फुल ऑफ द सॉइल असाइड, हम सॉइल को साइड पे कर देंगे, हम वी शेप पे कट बनाएंगे, और उससे 1/2 एंड 1 इंच की स्लाइस जो है वो ले लेंगे, और उसको स्लाइस को हम फेयरली एंड इवन विद विड्थ के और थिकनेस होनी चाहिए इसकी, और प्लेस द स्लाइस इन द बकेट, बकेट में रखेंगे या हम अपने बैग के अंदर रखेंगे, और इसी तरह से रिपीट करेंगे 1 स्टेप से लेकर 4 स्टेप, ये जो ऊपर हमारे पास स्टेप है इन्हीं को रिपीट करते हुए हम मल्टीपल सैंपल ले लेंगे, और फिर उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बना लेंगे, और इसको थॉरली मिक्स कर लेंगे, और एक उनमें से जो एक बैग होगा हम उसको थॉरली मिक्स करने के बाद जो है उसको फर्दर अपने लैब्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, और बेटर टेस्ट उसमें करके इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को हम कंपाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास सैम्पलिंग टूल है, यहाँ पे ये वाला सॉइल ऑगर है, ये प्रोब है,
ये इस तरह से सर्कुलर है, इसे घुमा के जो है वो हम सैंपल सॉइल के अंदर डिफरेंट डेप्थ से ले सकते हैं। या ये हमारे पास स्पेड है जिसका हम बता रहे थे कि एक वी शेप, ये वी शेप कट है यहाँ से, एक वी शेप ऐसे कट लगा के सॉइल को इधर रिमूव कर लें और यहाँ से एक जो है वो हाफ एंड वन इंच या ऑलमोस्ट वन इंच जो है वो थिक लेयर यहाँ से लेंगे। और ये इवन यहाँ से जो बात हो रही थी पहले मेथड में, तो हम इसको ये स्लाइस लेकर इसकी, तो इसको जो है वो इस बकेट के अंदर शिफ्ट करेंगे प्लास्टिक बकेट के अंदर, और वहाँ से थॉरली मिक्स करने के बाद ये इतना ज़्यादा सैंपल हो जाएगा कि हम इसको जो है ना वो फर्दर इसको तो नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हम इससे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बना लेंगे और हम उसको जो है वो फर्दर प्रोसेस में यूज़ करेंगे और उसी से हम डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। ये सिंपली वही प्रोसेस सैम्पलिंग कलेक्शन है कि हमने क्या करना है। सैंपल लेने के भी कुछ तरीके होते हैं, इनमें से एक जिगजैग मैनर होते हैं, यहाँ पे एक डायगोनल मैनर होता है। डायगोनल में अगर कंसीडर करें, ये हमारी फील्ड है, तो इसमें हम डायगोनल मैनर में हम इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक डिफरेंट सैंपल लेंगे और फिर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक सिंपल जो है वो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, इसको डायगोनल मेथड कहते हैं। यहाँ पे जो शो करवाए गए ये जिगजैग मैनर है, इस जिगजैग में ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं मतलब यहाँ से हमने सैंपल लिए इस फील्ड के अंदर, यहाँ पे ये ऐसे जिगजॉग जैग मैनर में जो है वो सैंपल लिया गया। ये सैंपल आप स्पेड से भी ले सकते हैं, और ये हमारे पास जो शॉवल है और हमारे पास ऑगर है जो पिछली जो स्लाइड में दिखाया गया था हम उससे वो लेकर, या फिर ये वी शेप कट बनाएंगे, इसमें यहाँ से ये स्लाइस उतारा, इसको बकेट के अंदर ये मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करने के बाद इसे हम ऐसे थॉरली स्प्रेड कर देंगे। अब इसको स्प्रेड करने के बाद हम इस पूरे सैंपल को तो यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसके लिए एनालिसिस सॉर्टिंग और ये सारा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए काम, तो हम क्या करेंगे इसे चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। ये देखें हमने इसको चार इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, और उसके बाद उन चार इक्वल पार्ट में से हम दो पार्ट को जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, ये क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे, और जो दो पार्ट दूसरे होंगे हम उनको ले लेंगे। इस तरह हमारा जो सैंपल का साइज है वो हाफ हो जाएगा। जिस तरह से कोई भी अगर चीज़ डिवाइड करनी हो तो उसे जो है वो फोर ऐसे डिफरेंट या फोर और सेवन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लें, और उनमें से वन या टू पार्ट जो है वो, क्योंकि हमने इवनली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, और उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसे हम फर्दर इनक्लोज कर लेंगे एक बैग के अंदर, और उसे हम जो है वो फर्दर प्रोसेस एनालिसिस या डाटा सॉर्टिंग कलेक्शन में हम इसे यूज़ कर लेंगे। जो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, हम दो तरह के सैंपल में इसमें बैग में ले सकते हैं, एक पेपर बैग होता है इसको क्राफ्ट पेपर भी कहते हैं, ये जो ब्राउन वाला है हम इसके अंदर भी ले सकते हैं, या फिर ये प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन शॉपर इस तरह से होता है हम उसके अंदर भी ले सकते हैं। तो ये दोनों जो तरह की जो पैकिंग है वो दिखाएगी, इसको कहते हैं क्राफ्ट पेपर बैग, या इसे वैसे सिंपली पेपर बैग भी कह सकते हैं, और ये प्लास्टिक बैग है, इसके अंदर हम इसको सैंपल की कलेक्शन कर सकते हैं। अब वो सैंपल हम लैब में शिफ्ट कर लेंगे, लैब में शिफ्ट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, वॉश करेंगे, सैंपल वॉशिंग एंड ड्राइंग। इस तरह से हम इसे सीव के अंदर छाननी के अंदर लेंगे और यहाँ से ये वाटर इसके अंदर इसे मिक्स करेंगे, साथ ही इसे हम अपने हाथ से जो है वो इसे ऐसे हिलाते जाएंगे जैसे आटा के छननी में हिलाते हैं। तो इस तरह से जो डेब्रीज हैं इसमें जो लार्जर साइज़ के सीड होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे, जो स्मॉलर साइज़ के होंगे वो वॉश होकर यहाँ पे चले जाएंगे, और जो ऐसे जो डस्ट पार्टिकल या क्ले पार्टिकल होंगे वो इस वाटर के साथ वॉश होकर ऐसे नीचे निकलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये डिफरेंट साइज़ की सीव्स या डिफरेंट साइज़ की छाननी इसी वजह से रखी गई है, यहाँ पे ये देखें स्टैकिंग की हुई है इसकी, तो डिफरेंट साइज़ की के लार्जर साइज़ के यहाँ पे रह जाएंगे, उससे स्मॉलर वाले यहाँ पे, उससे स्मॉलर वाले यहाँ पे, और क्ले और दूसरा जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो वॉश होकर यहाँ पे चले जाएंगे। अब हमारे पास ये जो सैंपल इकट्ठा हो जाएगा, इसमें से मिट्टी जो डस्ट वगैरह होगी वो सारी साफ हो जाएगी, इससे हम जो बड़े लार्जर क्ले क्लॉड पार्टिकल्स होंगे कुछ, या स्ट्रॉ होगा या स्टोन्स होंगे, हम उनको सेपरेट करने के बाद उसी को एक क्राफ्ट पेपर बैग में जो लास्ट स्लाइड में दिखाया गया, हम उसको इस जो ओवन होगा उसके अंदर ड्राई करेंगे। ओवन के अंदर ड्राई करने के बाद हम इसे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे जो है वो यहाँ पे इसे दोबारा से इसी स्टीव के अंदर ऐसे छान के इसमें से कुछ और अगर पार्टिकल होंगे तो उनको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसे जो है वो इसकी साल्टिंग कर लेंगे, साल्टिंग मतलब सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट करने के लिए यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है वो लैंप लगा हुआ है, लैंप की वजह से ये लाइट होगी इसके अंदर, क्योंकि ये सीड होंगे तो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होंगे, इसे हम एक ट्रे के ऊपर ऐसे सेपरेट कर लेंगे, इसको ट्रे के ऊपर भी जिगजैग मैनर में स्प्रेड करके एक छोटी सी लाइन बना लेंगे इन सीड की, और उन सीड की जो लाइन होगी इसे छोटी सी उसमें से हम पिक करते जाएंगे। ये डिफरेंट हमारे पास ट्रेज पड़ी हुई हैं, ये डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास छोटी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ट्रे पड़ी हुई हैं, हम वहाँ से कलेक्ट करते जाएंगे। तो किसी सीपीसी, एक सीपीसी कंसीडर दैट हमारे पास सीपीसी ए है, हम उसकी जो सीड्स होंगे वो इस ट्रे में डालते जाएंगे,
जो बी होगी उसकी इसमें डालते जाएंगे, और जो सी होगी ये हमारे पास इसमें इसमें डालते जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो इसका एक होल्डर होगा छोटा सा, इसे हम पकड़ पकड़ कर इसे जो है वो यहाँ पे इसके अंदर डालते जाएंगे। जिस तरह इस तरह हमारे पास डिफरेंट सीपीसी की जो है वो डिफरेंट ट्रेज रेडी हो जाएंगी, और उन ट्रेज को जो है हमने जो इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे सीपीसी के और पॉपुलेशन के, डेंसिटी है तो हम देख लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सीपीसी ए कितने हैं सीड, नंबर ऑफ सीपीसी बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, इसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से इसकी अबंडेंस, और इसी तरह से इसकी प्रेजेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे इस तरह से सीड बैंक एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।